色唱歌着车爱阿弟说些莫得आंटी आई एम सॉरी। अरे बेटा आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? आपने तो कुछ नहीं किया, जिसने गलती की उसी को सजा मिल रही है ना। थैंक यू गॉड फॉर सेंडिंग मी हियर और इतनी ब्यूटीफुल फ्रेंड्स मिलाने के लिए। लेट्स मेक ए पैक्ट। क्या? हम दो साल में एक बार तो जरूर मिलेंगे। ये लो। ये क्या है? देख लो। खोलो बेटी। ये तो अपॉइंटमेंट लेटर है। हाँ मुझे तो लगा कि आप मजाक कर रहे थे। देखा हम बोलता था ना, इसको सच बात हमेशा मजाक लगता है और झूठ बात सीरियस लगता है। लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं हायर स्टडीज के लिए बाहर चली जाऊं। नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। ये जॉब करना है तो करो, नहीं तो शादी कर लो। पापा मुझे वहां की बहुत याद आती है। 4 साल वहां क्या रह लिया, वहां की याद आने लगी? हमारा कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों को भला कोई कैसे कंपेंसेट कर सकता है। जितना भी घर से दूर रह लो, एंजॉय कर लो, अच्छा ट्रीटमेंट मिले, अच्छा खाना पीना, मौज मस्ती, लेकिन एक भी ऐसा दिन नहीं रहता है जब आप दोनों की याद नहीं आती है। हर चीज का सब्स्टिट्यूट है। भाई दो हो सकते, बहन दो हो सकते, अंकल आंटी दो हो सकते, लेकिन माँ बाप सिर्फ एक होते। बहुत समझदार की बातें करने लगी है हमारी बेटी, बड़ी जो हो गई है। अपने फ्रेंड्स को मिस करती हो कि नहीं? बहुत मिस करती हूँ सर। तो फोन पे बात करो। जिनके साथ 2400 घंटा रहना खाना पीना होता है, उनको हफ्ते में एक बार फोन करके क्या होगा। 4 साल वहां रहकर ऐसा लगता था जैसे कि मेरी पूरी जिंदगी वहीं बीतने वाली है। बट लाइफ मूव्स ऑन। अब पता नहीं कहां मुलाकात होगी और लाइफ कहां किसे पहुंचाती है पता ही नहीं चलता है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं कराईकुड़ी पहुंच जाऊंगी। दिस इज ऑल डेस्टिनी। कब किसे कहां ले जाए किसी को मालूम नहीं। बस वन शुड जस्ट कीप ऑन वर्किंग विद पॉजिटिव एनर्जी, तब डेस्टिनी भी सही रास्ता लेकर जाती है। लेकिन एक बात तुम्हारी भी सही है कि लाइफ मूव्स ऑन। तो आगे का क्या प्लान? एक कॉलेज से ऑफर लेटर आया है, सोच रही हूँ ज्वाइन कर लेती हूँ। आगे नहीं पढ़ोगी? पढ़ना तो है लेकिन घर वाले नहीं मानेंगे। पता नहीं वो लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। घर वाले तो बीटेक भी नहीं करने दे रहे थे, फिर जाने दिया ना तुमको। बट हैट्स ऑफ टू योर फादर, कितना सपोर्ट किया लिमिटेड इनकम होने पे भी। तब की बात अलग थी सर, मैं उन पे प्रेशर डाल सकती थी। क्यों, अब विरोध करने की हिम्मत खो चुकी हो? हिम्मत तो है सर, लेकिन मैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हूँ। पापा की भी एज हो गई है, आई डोंट वॉन्ट टू पुट स्ट्रेस ऑन हिम। फिर ठीक है, लेकिन एक बात मैं फिर से कहूंगा, थिंक अगेन। ये लो।
मैम इसकी क्या जरूरत थी? सर की तरह दांत सुननी है? नहीं ना, तो चुपचाप खा लो। इतने दिनों के बाद आए हो, मैं तुम्हारे लिए स्वीट भी नहीं बना सकती। कैसी बनी है? बहुत अच्छा। थैंक यू। सर आप नहीं लोगे? कोई मुझे देगा तब ना। इनको तो छोड़ो, इन्हें मेरे हाथ का कुछ भी पसंद नहीं, तो इनको दे के क्या फायदा? फिर भी दे देती हूँ। कढ़ाई कढ़ी कैसा लगा? पहली बार जब तुम आए थे ना हॉलीडेज में, तो 5-10 मिनट के लिए बैठ के चले जाते थे, आज तो देर तक बैठना पड़ेगा। ठीक है, बोलो 4 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ का वेदर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, लेकिन वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। दैट्स गुड, लोगों का अच्छा होना मैटर करता है, है ना? हाँ। और कुछ एक बात बताओ, वहाँ पे कोई लड़का पसंद हुआ कि नहीं? क्या मैम, कुछ भी। अरे प्यार करना कौन सी बुरी बात है? ओके मैम, मैं चलती हूँ। अरे अरे, ये खत्म करके जाओ, मैंने कितनी मेहनत से बनाई है, अगर खत्म नहीं हुए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके मैम, कंप्लीट करके ही जाऊंगी। सीरियसली बोलो तो एक बात, कॉलेज में कोई लड़का नहीं मिला क्या? अच्छा मैम, मैं इतना बिजी रहती थी कि सोचने का मौका ही नहीं मिला कि एक लड़का ढूंढना चाहिए था। बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, वापस जाना पड़ेगा। देखो बहुत अच्छा है ना। अच्छा है। हाँ। दिशा, दिशा, दिशा। ये वाला। कुछ। आप लोग केनी के रूम में? क्या बातें कर रहे थे? है कुछ नहीं, छुपा रहे। कुछ नहीं। दिखाओ। लायर, मुझे देखकर आप लोग चुप हो गए? अरे नहीं बेटा, वो हम लोग ऐसे ही तुम्हारे मामा के बारे में बात कर रहे थे। पापा, आप क्या छुपा रहे हो? अरे कुछ नहीं। दिखाइए। कुछ नहीं छुपा रहे। अरे कुछ। ये किसके फोटोज है? कुछ मेरे लिए कई रिश्ते आए हैं। मामा, आपने मुझे बाहर जाने से मना किया, फाइन, लेकिन मैं अब भी शादी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेगी? अब 22 इयर्स की हो गई है। तो क्या, अब शादी की उम्र हो गई है? मुझे बस अभी शादी नहीं करना। क्यों नहीं बेटा, कोई तुम्हें मिल गया है? पापा कुछ भी। तो फिर? मुझे अभी काम करना है, आप लोगों की सेवा करनी है। आप लोगों ने इतना मेहनत करके मुझे पढ़ाया, अब जब मेरी बारी आई तो मुझे भगा रहे हो। बेटा वो तो तुम शादी की बात भी कर सकती हो ना। आप लोगों के साथ बहस करना ही बेकार है। अब दीदी की शादी क्यों नहीं कर देते, वो मेरे से बड़ी है। अरे तुम तो जानते ही हो, ये अमलम की घर वालों ने और कुछ टाइम मांगा है। हाँ, वो क्यों मांगा था वो लोग ने टाइम? उन लोग चाहते हैं कि ये अमलम से पहले उसकी बहन की शादी हो जाए, फिर ये अमलम की। ओके, तो मतलब उसकी सजा मैं भुगतू? नॉट फेयर। अरे कुछ बेटा, पिछले जन्म में फ्रीडम फाइटर होगी। सही कह रही हो तुम, हर बात में बगावत करती है। हाँ सबसे पहले भारतीय सेना ने तोलोलिंग पहाड़ी पर कब्जा जमाया। बटालिक सेक्टर की खालुबार रेंज के अंदर 0.5239 चोटी पर कब्जा जमाकर ऑपरेशन विजय को पूरा किया। युद्ध का कारण था पाकिस्तानी सेना की नापाक हरकत। सर्दियों में हिंदुस्तानी सेना के खाली पड़े बंकरों में पाकिस्तान की सेना और सेना समर्थित आतंकवादियों ने उन पर कब्जा जमा लिया। पाकिस्तानी सैनिक LOC ये लोग कभी नहीं सुधरेगा। हमें क्या? मामा ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अपने देश का फौज है, कारगिल भी तो अपने कंट्री का हिस्सा है। वो हम मानते हैं,
वो लोग नहीं, बस उनको तो जस्ट सरल करना आता है। अपने देश का फौज है। हमको इसमें क्या लेने देना है, जो हो रहा है होने दो। क्यों होने दे, अगर हम पर कोई अटैक करे तो हम लोग चुपचाप बैठे रहे। तो ऐसा करो, एक गान लेकर चली जाओ उस बेटी फील्ड पर। हाँ जाऊंगी, और एक्चुअली आपको भी चलना चाहिए। अरे अरे बेटा, खाना इस तरह क्या होगी इस लड़की को? अरे पता नहीं, जब से नागालैंड वापस आई है तब से ऐसे बिहेव कर रही है। और भेजो बाहर, इसमें शुरू होने की क्या बात है? कुछ तो समझना चाहिए इस लड़की को, कुछ भी बोल लेती है। She is not matured enough. Matured तो वो है, लेकिन तुम नहीं। अरे सही तो बोल रही थी, लेकिन तुमने बहस कर लिया। मैं बहस कर रहा था क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट बन गई है, बस मैं बचा हूं घर पर, एकदम अनपढ़ गंवार पागल अनएजुकेटेड, और आप भी उसका साइड ले रहे हो। कूल कूल, अरे बच्ची है, बोल गई तो बोल गई, भूल जाओ ना। नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, और मैं ये खाना भी नहीं खाऊंगा, और आज से इस घर पे मैं कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। अरे कुछ बोलो तुम, ऐसे ही नाराज होकर चला गया, खाना भी नहीं खाया ना। अरे कुछ नाराज नहीं है, कुछ देर बाद आएगा सब भूल जाएगा, आप खाना खाओ। हेलो, कैसी है तू? क्या हुआ, किस बात की परेशानी है? परेशानी नहीं तो, आई एम फाइन, तू बोल। लायर, तेरी आवाज सुन के मुझे पता चल जाता है, अब बता क्या हुआ। वो तूने कारगिल वॉर के बारे में सुना है ना? हाँ यार, इट्स सो डिस्टर्बिंग। शुभम है क्या वहाँ पे? नहीं, बट ही वॉन्ट्स टू गो देयर। तो फिर पोस्टिंग मिली उसको? नहीं, वो उसके हाथ में थोड़ी ना है। अच्छा तू बता, तेरा प्लान क्या है अब? अभी तो मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी, आई मीन ऑफर लेटर मिला एक। अच्छा है, इसी तरह तेरा मन भी लगा रहेगा। अगर SSB का एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो अप्लाई करूँगी, बहुत मन है मुझे आर्मी ज्वाइन करने का। तू बहुत लकी है यार, और तेरा हो भी जाएगा। अरे तू ऐसे लोग क्यों फील करती है? कुछ नहीं रे, मामा है ना, हर वक्त ना कुछ भी बोलते रहते और मूड खराब कर देते। अरे वो तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उसी से गुस्सा निकालते हैं। वो तो है। बाय बाय। Dear Lord, please protect our soldiers. Please give them the energy to fight our enemies. मुझे भी अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है। I have to do something for my country. Thank you, Lord. Thank you for this idea. Mama! अरे, Papa! अरे आस्ते। अरे क्या हुआ? अब पहले सांस ले ले, सांस ले ले। आप बता। आई हैव एन आइडिया, जिससे कि मैं आपकी और कंट्री की एक साथ हेल्प कर सकती हूँ। एक साथ? हाँ। वो कैसे? इंडियन आर्मी ज्वाइन करके। ये लड़की वाकई पागल हो चुकी है, पता नहीं क्या कुछ बोलती रहती है। पागल? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी बेटी इंजीनियरिंग पढ़ने नहीं गई थी, ये साइकोलॉजी और फिलोसफी पढ़ने गई थी। हाँ एक बात बताओ मेरे को, ये आर्मी में जाने का भूत तुम्हारा माथा में अचानक कहाँ से बैठ गया? हाँ। अरे यू सीरियस?
पापा आई एम सीरियस. अरे कुछ हो, आर्मी में लेडीज का कोई रिक्रूटमेंट नहीं होती है. हाँ, खासतौर पे तुम्हारी जैसी लड़की जो इंजीनियरिंग करके आई हो, वहां पे तो गोली और तोप चलाने वाले जा सकते हैं. मामा, आर्मी में लड़कियों का भी रिक्रूटमेंट होता है, लेकिन इंजीनियरिंग करके कैसे होता है वो पक्का मालूम नहीं है. और आप किचन में क्या कर रहे थे? कौन, मैं? तुम्हारे मामा को एक कप चाय पिलाने को बोला तो उन्होंने चाय इतना फीका बना दिया कि पूछो मत, तो मैं खुद जाकर चीनी लाने चला गया. अरे ज्यादा चीनी खाने से डायबिटीज बढ़ जाता है. अरे कम से कम थोड़ा सा मीठा बोलने से चीनी अपने आप बढ़ जाएगा. एनीवेज मैं क्या कर रही थी, मैं बोल रही थी कि एक बार ट्राई करने में हर्ज क्या है. वो मेरी फ्रेंड है शोभा, वो भी बोलती रहती थी कि मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आर्मी ज्वाइन करूंगी. करो करो, ट्राई करो. 4 साल पहले क्या होता तो अपने पापा का इतना सारा पैसा बर्बाद नहीं होता. क्यों, कैसे बर्बाद हुआ? अरे एकदम इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आई है हमारी बेची. अरे अभी तो लोग कितना तारीफ करते हैं कोई माँ में मेरी बच्ची का. मेरे वो ग्रुप का जो लेडीज है ना, वो हमेशा पूछते रहते हैं कैसे एडमिशन मिला, कैसे कुछ हुआ. और बोलते हैं वो आजकल तो कुछ बहुत स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बन चुकी है. हाँ मामा, और मुझे भी बहुत लोग ने बोला है कि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि बेटियों को नागालैंड से बाहर भेजा जाएंगे. But I could choose, she has set an example for Kohima. Kohima ही नहीं, पूरे नागालैंड में. Right. Moreover, in all northeastern states. अरे कितने स्टूडेंट्स हैं JEE का एग्जाम क्लियर किया है? हमारे कोचों ने तो एक एग्जाम्पल सेट किया है. क्यों ब्रदर? मैंने लेटर कोई एग्जाम्पल सेट नहीं किया, उल्टा 4 इयर्स तक अपनी मामा से दूर रही. कितनी कमजोर हो गई ये डोसा और इडली खा खा कर. अजबू, बोलना मुझे आर्मी ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं. कुछ कल कारगिल चली जाना, लड़ लेना, बट अभी मुझे सोने दे, लाइट ऑफ कर दे. मुझे सुबह स्कूल जाना है. जो तू सोच रही है वो इतना आसान नहीं होता है. ऐसे थोड़ी ही होता है कि आज तुम ज्वाइन करो और कल फील्ड में जाकर फाइट करो. एवरीथिंग टेक्स टाइम. There will be some procedures at least to join the army. Switch off the light, please. फौज है, भारत माता की फौज है, अपने देश का फौज है, किसी से भी वो कम नहीं. Thank you so much. You're welcome. अभी सोने दे. Good night. फौज है, किसी से भी वो कम नहीं. देश की शान है, सरहद पर रह कर अपने वतन की रक्षा.
हेलो शोभा, मैं कुछ हूँ। इतने रात को और तू इतना आहिस्ता क्यों बात कर रही है? घर पे सब सोए हुए हैं। ओके, तो क्यों कॉल किया? मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। हंसना बंद कर और मुझे बता कि मैं कैसे करूं। क्या? आर्मी ज्वाइन? तूने मजाक करने के लिए कॉल किया है क्या? तो एक काम कर, कल ना सुबह अपने सारे सामान पैक करके निकल जा दिल्ली के लिए, और वहां आर्मी के जनरल साहब को बोल कि मैं तो आ गई। अरे ऐसा नहीं होता है यार, बी सीरियस। तुझे लगता है कि इतना आसान है? अरे मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, आई एम सीरियस, आई एम टू सर्व माई कंट्री। फटाफट से बता। अभी देख, इंडियन आर्मी में लेडीज को कॉम्बैट में नहीं भेजा जाता है। मतलब? कॉम्बैट मतलब वार पे। तू तो आर्मी ज्वाइन करने वाली थी ना? अरे इंडियन आर्मी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग। तू इंजीनियर बन के भी देश की सेवा कर सकती है। डिटेल्स में बताना यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे फोन पे नहीं बताया जा सकता है। तू एक काम कर, तू नजदीकी आर्मी कैंप में जा, और वहाँ अगर कोई जान पहचान है तो तू उनसे मालूम कर ले। जानू या ना जानू, अगर कोचू ने एक बार सोच लिया है तो उस ड्रीम को पूरा करने की कोशिश जरूर करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फौज है, भारत माता की फौज है, अपने देश का फौज है, किसी से भी वो कम नहीं। फौज है, भारत माता की फौज है, अपने देश का फौज है। अब SSB इंटरव्यू के लिए भोपाल जाना है। What? हाँ लो लेटर, मुझे तो मैं भी फाड़ देता हूँ। मम्मा मेरा सामान पैक करो, मैं कल इंटरव्यू जा रही हूँ। ज्यादा एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कहीं नहीं जा रही हो। क्यों? ना बोला तो ना, अब तुम बड़ों के डिसीजन में सवाल उठाओगे? ये तुमको सिखाया था कड़ाई कुरी में?